मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघिन अपने ढाई ढाई माह के चार शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वह जुड़ी नाला पार करने को पहुंची, तो दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सी ने उसे घेर लिया। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पानी भरा था। दोनों रास्तों पर जिप्सी की भीड़ लगी थी। ऐसे में बाघिन और उसके शावक कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए और एकाएक बाघिन पर्यटकों पर दहाड़ने लगी। जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जब बाघिन शावकों के साथ होती है तो आक्रमण कर सकती है। हालांकि बाघिन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाघिन और उसके शावक भ्रमित हो गए थे, जिसके चलते बाघिन सैलानियों पर दहाड़ने लगी थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों की लापरवाही उजागर होने के बाद फील्ड डायरेक्टर ने कार्रवाई करने की बात कही है। जो हमारे जिप्सी चालक है और उनके साथ जो गाइड होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि जो बाघों का जो दर्शन है वो निश्चित दूरी से करें। बाघों के पास जाना अत्यंत खतरनाक है और कभी भी कोई भी इसमें घटना घटित हो सकती है। वीडियो मैंने भी देखा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने पास नहीं जाना चाहिए। जो जिप्सी वाले उनके संपर्क में गए हैं, उनको हमने पहचाना है और उनके विरुद्ध निमाशा कार्रवाई की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार के लिए रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन जिप्सी चालकों की ऐसी लापरवाही सैलानियों की जान को मुश्किल में डाल सकती है। बता दें, पहले भी इस प्रकार की लापरवाही उजागर हो चुकी है, जो कि आज नहीं तो कल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।